हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एक्चुअली एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अल्टरनेट मेथड है। इससे पहले भी हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, जिसमें हम लोग यूज किए थे बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वह मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर से फ्लो होने वाले करंट के। जो उस वायर का लेंथ होता है उसके डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन जो होता है वही डायरेक्शन हम लोग उसके लेंथ का भी मानते हैं। तो लेंथ के साथ उस डिस्टेंस का जो भी एंगल होता है उसके साइन थीटा का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज़ कि बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, लेंथ के और करंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है तो जो भी डिस्टेंस उस वायर से होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। किसका बात कर रहे हैं? एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि इसमें हम लोग जिस वायर के कारण, जिस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और जिस पॉइंट पर निकालना हो, मान लिया जाए कि यह एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट जो करना है वह कितने वायर के कारण करना है, तो I1, I2 और I3। एक्चुअली ये I1, I2, I3 जो वायर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यह इस क्लोज सरफेस के अंदर में है। अगर इसके बाहर भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, अगर मान लिया जाए कि यहाँ कोई करंट है I4, तो इसके कारण भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ इसके कारण अगर हम लोग निकाल लेते हैं, जो भी सरफेस लेते हैं, ये बाउंड्री है, तो इसको हम लोग क्लोज पाथ भी कहते हैं या फिर एम्पेरियन सर्किट भी, सरफेस भी कहते हैं। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी करंट होगा उसके कारण पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, एक्चुअली ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है जो आउटसाइड वाले करंट के कारण भी वही होगा। तो इस यह क्या कहता है, इस लॉ में क्या होता है कि हम सबसे पहले जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ एक सरफेस लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को हम लोग क्या मान लेते हैं कि यह क्लोज है। क्लोज मतलब कहीं से ओपन नहीं है, इसका एक टोटल लेंथ हो सकता है। अब देखो सरफेस यहाँ पे अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन जो होता है वो हम सिमेट्री लेते हैं। सिमेट्री क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका लेंथ निकालने में ज़्यादा आसानी होता है। जैसे मान लिया कि ये अगर सर्कुलर पाथ है तो इसका अगर रेडियस हमें पता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं कि 2πr जो होगा इसका क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा। तो यह क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल, देखो लाइन इंटीग्रल कहने का मतलब कि इसके लाइन के अक्रॉस, ठीक है, लाइन के अक्रॉस इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी, बी का लाइन इंटीग्रल निकालना है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट से पास करता हुआ ये क्लोज सरफेस है। अराउंड एनी क्लोज पाथ, जिस क्लोज पाथ की हम बात कर रहे हैं, इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट इनसाइड द क्लोज पाथ। अब इसके अंदर जितना भी करेंट होगा उसका नेट वैल्यू, अब आ गया नेट। नेट कहने का मतलब होता है कि एक मान लो कि ये वायर है I1 जो करेंट इन टू द प्लेन जा रहा है, अगर कोई दूसरा भी वायर लेते हैं जिसका करंट ऑन टू द प्लेन होता है, और ऑन टू द प्लेन को किस चीज़ से दिखाते हैं, डॉट से। हम मान लें कि यह मेरा I5 है, तो इन टू द प्लेन जो है वह इस सरफेस के अकॉर्डिंग, ये अगर लाइन जो है मेरा क्लोज पाथ जो है इसका, हम अगर ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम अपने कर्लिंग फिंगर्स को मूव करते हैं तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब होगा उस डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी करंट होते हैं उस सब को पॉजिटिव मानते हैं, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसे निगेटिव मानेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा कि जब हम नेट करंट निकालेंगे तो जितना भी पॉजिटिव होगा वो सब ऐड हो जाएगा और जो निगेटिव होगा वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फाइनली एक रिजल्टेंट करंट का अमाउंट आएगा। तो वही होता है क्या, नेट करंट इनसाइड द क्लोज पाथ। वह किसके बराबर होता है, तो म्यू नॉट टाइम्स के बराबर, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट इनसाइड द क्लोज पाथ। मतलब म्यूनट को हमें नेट करेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी इसके अंदर करेंट आएगा वह किसके बराबर होगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B.dl। यह क्या हो गया कि B.dl मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, ठीक। और ये जो सिम्बॉल है यह इंटीग्रेशन का सिम्बॉल है, और ये जो इसमें राउंड शेप में दिया हुआ है ये एक्चुअली क्लोज पाथ का
सिंबल है कि क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ, क्या है, क्लोज पाथ के लिए। तो यह एक जनरल फार्मूला है कि बी डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन होता है, यानी कि बी डॉट डी एल का जो लाइन इंटीग्रल होता है, वह म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द क्लोज पाथ, क्लोज सरफेस। अब जो भी हम सरफेस लेंगे, जो भी हम लाइन लेंगे, उसके अंदर जितना भी करेंट होगा, अगर इस फिगर की अगर हम बात करें, आई नेट अगर इसका निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आई नेट देख लो, आई तो आई वन क्या है, इनटू द प्लेन है, जो कि मेरा थंब का भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा, तो आई वन प्लस होगा। आई टू कहाँ गया, ये है आई टू, आई टू भी प्लस होगा, इनटू द प्लेन है, और आई थ्री भी प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, इनटू द प्लेन है। लेकिन आई फोर तो बाहर है, हम बाहर वाले को तो लेते नहीं हैं, हम क्या लेते हैं, क्लोज पाथ के अंदर का लेते हैं। लेकिन आई फाइव देखो, आई फाइव ऑन टू द प्लेन है, क्योंकि एक डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो माइनस आई फाइव, ये वैल्यू है आई नेट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आई इनसाइड, कि टोटल जो करंट होगा यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, आई इनसाइड होगा। अब इस रिजल्टेंट वैल्यू के साथ म्यू नॉट टाइम्स जैसे ही करते हैं, तो यह टोटल किसके बराबर हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन कहने का मतलब, ये तो मेरा थ्योरी हो गया कि एम्पियर सर्किट और लॉ कहता क्या है, हम इसके एप्लीकेशन से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और वह वायर स्ट्रेट वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, या फिर सोलेनोइड हो सकता है, टोरॉइड हो सकता है। तो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एम्पियर सर्किट और लॉ का एप्लीकेशन टोरॉइड और सोलेनोइड में है। तो हम वन बाई वन करके सोलेनोइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि कैसे होता है। एक बार ये भी देख लेते हैं सोलेनोइड और टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले, कि ये जो मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसमें जो भी हम लूप लेते हैं उस लूप का क्या कंडीशन होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू चूज द लूप सच दैट एट ईच पॉइंट ऑफ द लूप आइदर, जो भी पॉइंट होगा उस लूप पर, जैसे जो हम सर्कुलर पाथ लिए थे, जो हम सर्कुलर लाइन लिए थे टोटल, उस पाथ का क्या मतलब कंडीशन है कि वह किस के एलॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, बी इज टेंजेंशियल टू द लूप। जैसे मान लो टेंजेंट समझते हो, टेंजेंट क्या होता है, सर्किल पे एक किसी एक पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होता है जो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, टेंजेंशियल होना चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के, उस क्लोज लूप के किसी भी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए, और बी का वैल्यू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जो कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, मतलब जीरो भी एक कॉन्स्टेंट है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, या तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वह लूप के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल हो, नॉर्मल कहने का मतलब परपेंडिकुलर हो। अब जैसे मान लो इस ढंग का अगर लूप है, इस तरह का लूप है, यहाँ पे क्या है, इसके टेंजेंशियल मतलब ये डायरेक्शन होगा बी का, अब परपेंडिकुलर कहने का मतलब मान लो कि इसके ऐसे दे दिए, इनटू द प्लेन दे दिए, तो यह सरफेस के साथ क्या हो गया, इस लाइन के साथ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बी लाइन इंटीग्रल के साथ जैसे ही परपेंडिकुलर होता है, तो हम तो क्या यूज करते हैं, बी डॉट डी एल, और डॉट में कौन सा यूज होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही नहीं पड़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ही नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसा लूप लेना पड़ेगा जो टेंजेंशियल हो, या फिर इस ढंग से लेंगे कि ऐसे जगह पे ये यूज होगा जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ही नॉर्मल हो जाए, या फिर दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, या तो ऐसा सारा पॉइंट्स को मिला दो एक जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैनिसेज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे पॉइंट को मिला दो, तो ये सारा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, मेरे लिए लूप हो जाएगा, जिस लूप को हम चूज करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम नॉर्मल नहीं लेते हैं और ये जीरो भी नहीं मानते हैं, हम क्या मानते हैं कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वह उस लूप पे टेंजेंशियल है और नॉन जीरो कांस्टेंट है। हम इसी चीज़ को मान करके सारे जगह अप्लाई करते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि इफ़ एल बी द लेंथ ऑफ लूप, मान लो एल जो है, यह एल, यह टोटल लेंथ है किसका, उस पूरे लूप का, उस पूरे लूप का अगर टोटल लेंथ एल है, फॉर विच बी इज टेंजेंशियल, और बी क्या है, टेंजेंशियल, हम पहले बोले कि इस चीज़ को मान लेना है बी इज क्या है, टेंजेंशियल है, एंड आई नेट, आई नेट कहने का मतलब होता है कि क्लोज लाइन के अंदर में टोटल करेंट, नेट करेंट इज द टोटल करेंट इन क्लोज बाय द लूप, देन बी डॉट डी एल के जगह पे क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्या है, टोटल लेंथ है, म्यू नॉट आई नेट, यह मेरा क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया।
यह कहाँ से आया? तो एम्पियर सर्किटल लॉ से आया। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का, जिसमें हम सबसे पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब देखो सोलेनोइड क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें सोलेनोइड के बारे में जानना होगा कि सोलेनोइड जो होता है वो हेलिकल शेप का होता है। मतलब जैसे कि हम एक रड को, ये हम, ये मेरा क्या है, पेन है। इस पेन पे अगर एक वायर को हम क्या करते हैं, ऐसे लपेटना शुरू करते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वह क्या होता है, सोलेनोइड की तरह होता है। मतलब सोलेनोइड का शेप जो है वह क्या है, जैसे एक स्प्रिंग जो पेन होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे जेटर पेन जो होता है उसमें क्या लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है। तो स्प्रिंग का शेप क्या होता है, राउंड 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 होता है। तो इस तरह का जो राउंड शेप होगा, जिसमें एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बढ़ता है, तो यह क्लोजली बाउंडेड होता है। क्लोजली करने का मतलब एक दूसरे से काफ़ी सटा हुआ रहता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है एक दूसरे के साथ। और जो हम लोग वायर जो लपेटते हैं वायर, वह वायर क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे से क्या करेगा, टच कर जाएगा। अगर इंसुलेटेड है, टच करने के बाद भी करंट जो होता है वो एक का दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। अब क्या करो, अगर पूरा हम वायर को लपेट दिए, जैसे मान लिया जाए कि एक ऊपर की तरफ है, इसमें हमने क्या किया, इस तरह से वायर को लपेट दिया और क्या किया, बीच से काट दिया। बीच से जैसे ही काट करके हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो वायर इस तरह से आ रहा था, मतलब इस तरफ जो भी वायर होगा उसमें सब में करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और जो इस तरफ का पोर्शन होगा सब में करंट इनटू द प्लेन जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम यही चीज़ इस यहाँ पे क्या किए हैं, कट किए हैं। जैसे ही कट किए तो हमें पता चला क्या, कि जो भी वायर्स में करंट इस तरह से फ्लो हो रहे थे, वह करंट में क्या हो गया कि यह सारा पॉइंट हमें डॉट डॉट दिख रहा है, मतलब इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहे हैं और इसमें क्या है, करंट जो है वो इनटू द प्लेन जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस लेते हैं ए बी सी डी, यह मेरा एक रेक्टेंगल टाइप का है जो क्लोज सरफेस है, ठीक। इस क्लोज सरफेस का लेंथ एल है, क्या है, इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, एल है, और इसका जो विड्थ है वो क्या है, डब्ल्यू है। मतलब इसका लंबाई जो है वो एल लिए और इसका जो चौड़ाई लिए वो क्या लिए, डब्ल्यू लिए। अब हमें क्या करना है, क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल निकालना है। क्लोज पाथ क्या होगा, अगर तुम ए से चलते हो तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, मतलब हमें चार लाइन मिला। इस चारों लाइन के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम मान लिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के अंदर में है वह क्या है, बी है, जो कि यूनिफॉर्म है सभी जगह। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो बी मान लिए। अब सोलेनोइड के जो बाहर है वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है बाहर में क्या होता है, जीरो होता है, आउटसाइड द सोलेनोइड। यह क्या है, आउटसाइड द सोलेनोइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार में ये बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सारे साइड के लिए मतलब इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। लेंथ ये अपना अपना सबका लेंथ मान लेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। जैसे ही एक जगह करेंगे तो यह टोटल क्लोज सरफेस के लिए हो जाएगा, क्लोज लाइन के लिए हो जाएगा, क्लोज पाथ के लिए हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई द बी डॉट डी एल ओवर ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। मतलब हम बी डॉट डी एल निकाल लेते हैं सबके लिए सेपरेट सेपरेट करके। तो हम सबसे पहले निकालते हैं बी डॉट डी एल साइड थ्री। देखो साइड थ्री क्यों लिए, ये साइड नंबर दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर। हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे साइड थ्री नहीं लिख करके साइड सी डी, ये नाम दे सकते थे। अब बी डॉट डी एल का जो वैल्यू आएगा साइड थ्री के लिए वह जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे B का ही वैल्यू जीरो है, आउटसाइड द क्या है, सोलेनोइड। अब बात करते हैं साइड टू एंड साइड फोर के लिए, बी डॉट डी एल का वैल्यू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखो साइड टू कहाँ है, ये वाला है, साइड फोर कहाँ है, ये वाला है। अब इसमें क्या होता है कि मेरा जो लेंथ है वो इस ढंग से है, ऐसे पेपर पे है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस ढंग से है। आपस में दोनों कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। जब हम बी डॉट डी एल निकालते हैं, हम इससे पहले भी बोले थे कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का यूज करते हैं, और बी डॉट डी एल में क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा जैसे ही 90 डिग्री आएगा तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब बचा कौन, साइड वन। इस साइड का डायरेक्शन क्या हो गया, मतलब इस साइड का लेंथ क्या है, ए टू बी, मतलब इसका जो लेंथ हुआ वो ये हो गया, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, मतलब यहाँ पे जीरो डिग्री बन रहा है। तो बी डॉट डी एल फॉर साइड वन इक्वल टू बी इन टू एल।
क्योंकि बी जो है वो यूनिफॉर्म है और पैरेलल टू डी एल है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो एल क्या है, एल तो मेरा लेंथ है, जो लेंथ सी से डी का होगा वही लेंथ ए से बी का भी होगा, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी इंटू एल जो होगा वह किसके लिए होगा, बी डॉट डी एल फॉर साइड वन। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी डी और डी टू ए सबके लिए क्लोज पाथ के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन इंटीग्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, टोटल को जैसे ही ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एल फॉर द क्लोज लूप के लिए आ जाएगा। ठीक, तो क्या किए, सबसे पहले ऐड कर दिए बी डॉट डी एल क्लोज लूप के लिए फॉर साइड वन, फॉर साइड टू एंड फोर, फॉर साइड थ्री। तो साइड वन के लिए क्या आया था, बी डॉट डी एल बी इंटू एल आया था, और साइड टू एंड फोर के लिए क्या आया, जीरो, साइड थ्री के लिए क्या आया, जीरो। तो ओवरऑल जो ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर पाथ हम लोग लिए थे, क्लोज पाथ लिए थे, उसका जो लाइन इंटीग्रल आया वह क्या आया, बी इंटू एल आया। एल क्या है, लेंथ है। अब क्या है, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है कि जो बी डॉट डी एल होता है, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होता है, यह किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। तो बी डॉट डी एल का तो टोटल वैल्यू बी इंटू एल है, और म्यू नॉट, अब आई इनसाइड की बात आती है, तो हम मान लिए कि जो मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है किसी भी सोलेनोइड में, जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है, मान लो टोटल सोलेनोइड अगर दिख रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स भी दिख रहा होगा। अब टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने लेंथ में फैला हुआ है, मान लो 50 सेंटीमीटर में हो सकता है 500 टर्न्स हो सकता है कि 1 मीटर में 1000 टर्न्स हो, ये भी हो सकता है कि 1.5 मीटर में 5000 टर्न्स हो। तो हमें क्या करना है, एक पार्टिकुलर वैल्यू, ऐसा वैल्यू चूज करना है जो हमेशा फिक्स आए, जैसे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि एक मीटर लेंथ में कितना टर्न्स होगा। तो हम मान लिए कि पर यूनिट टर्न्स में लेंथ जो है, सॉरी नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो एन है। अब अगर हम टोटल एल लेंथ लेते हैं तो एल लेंथ में क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स इनटू लेंथ, तो यह क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स, और एक टर्न्स में कितना करंट इंटर कर रहा है, आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंटू एल, और साथ में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यह क्या है, आई नेट है। आई नेट कहाँ से आया, तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, मतलब एक मीटर लेंथ में n टर्न्स है, अगर टोटल लेंथ l है तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गया इतना, और हर एक टर्न्स में i करंट इंटर कर रहा है, तो यह क्या लिख सकते हैं, n i l लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट n i l। अब i l से l कैंसिल हो गया, मतलब हमें लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या आया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये कैसे निकलता है, तो एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स बाई टोटल लेंथ। जब कैपिटल एन लिखा रहता है तो यह क्या समझा जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स, और जब स्मॉल एन लिखा रहता है तो यह क्या समझा जाता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यह याद रखना है हमें कि सोलेनोइड के लिए क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आई क्या है, करेंट पासिंग थ्रू द सोलेनोइड, एन क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। जब हम लोग किसी सोलेनोइड को एक रिंग का फॉर्म कर देते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन में बदल देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक स्ट्रेट वायर होता और उस पर क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स दिया हुआ है कि लपेटा गया है, उस पर क्लोजली बाउंडेड वायर्स है जिससे करंट पास हो रहा है, हम उस पूरे टर्न को क्या किए, जा करके ज्वाइंट कर दिए, तो वह सर्कुलर फॉर्म में आ गया। तो एक फिक्स सर्किल के ऊपर क्या किए हैं, करंट को लपेट दिए, मतलब एक कंडक्टिंग वायर्स को लपेट दिए और उससे क्या किए, करंट को पास करा दिए, तो इधर से करंट इंटर कर रहा है। अब क्या होगा, सब में करंट पास करेगा, इस तरह से करंट पास करेगा, एक समय आएगा लास्ट में जब यह करंट क्या होगा, बाहर की तरफ फिर निकल जाएगा, फाइनली यह करंट क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यह दिख रहा है अच्छे से कि इसमें क्या हो गया, ऐसे लपेटना शुरू किया इसको, फिर लपेटा गया, फिर लपेटा गया, फिर उसके बाद लपेटा गया, तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करने के बाद फाइनली यहाँ पे लास्ट में क्या किया गया, फिर इसे बाहर निकाल दिया गया। अब इसमें करंट कहाँ से आएगा, करंट का सप्लाई यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि इधर से एक बैटरी दिए, इसमें ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव से करंट निकला और फाइनली यह क्या किया, टोरॉइड में एंटर कर गया। अब हम क्या करते हैं, टोरॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम इनसाइड में एक
लाइन लेते हैं, मतलब क्लोज पाथ लेते हैं। तो यह मेरा क्या हो गया, एक क्लोज पाथ हो गया जिसका सेंटर से, सेंटर ओ से जो डिस्टेंस होगा वो आर है। एक्चुअली ये आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब अगर यह रेडियस है तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, तो टोटल लेंथ जो होगा इसका, टोटल लेंथ वह 2πr के बराबर होगा। अब दूसरी चीज़ क्या देखना है कि इसका जो लेंथ होगा इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन है, मतलब दोनों क्या है आपस में टेंजेंशियल हो गया। तो यहाँ पे टेंजेंशियल होने के कारण क्या हो जाएगा कि थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वह 0° होगा, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, बी डॉट डी एल जब लगाएंगे तो बी एल कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है, तो बी इंटू एल हो गया। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू बी इंटू एल, एल क्या है, टोटल लेंथ है, और टोटल लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, तो 2πr के बराबर। तो लाइन इंटीग्रल जो हुआ क्लोज पाथ के लिए, जो क्लोज पाथ हम माने हैं, जो ड्रॉ किए हैं, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करता हुआ एक क्लोज पाथ ड्रॉ किया गया, क्लोज सरफेस या क्लोज लाइन ड्रॉ किया गया। अब इस लाइन का टोटल लाइन इंटीग्रल निकाले बी डॉट डी एल, तो बी इंटू एल आया जो कि 2πr के बराबर है टोटल लेंथ, तो क्या आ गया, बी इंटू 2πr। अब हमें क्या करना है, इसमें एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करना है। जैसे ही हम क्या करते हैं, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो वह किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। आई नेट क्या हो गया, टोटल करेंट इनसाइड द टोरॉइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक से समझना पड़ेगा। यहाँ पे B इंटू 2πr जो है यह क्या है, मेरा B डॉट डी एल का वैल्यू है। म्यू नॉट ये भी समझ में आ गया। अब रही बात आई नेट, फिर से आई नेट का झंझट आ गया। देखो आई नेट बहुत आसान है, इसको तुम अगर काट करके देखते हो तो सब में क्या दिखेगा, तुम्हें करंट आता हुआ दिखेगा इस तरह से। अब इसमें करंट कितना आएगा, तो कैसे पता चलेगा करंट कितना आया, तो हमें पता चलना चाहिए कि n जो है वह नंबर ऑफ टर्न्स है क्या, पर यूनिट लेंथ, मतलब एक मीटर लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो टोटल लेंथ मेरा अगर L है तो इसमें टोटल करंट क्या होगा, I होगा। अब ये सर्कुलर फॉर्म में है इसलिए टोटल लेंथ ही हम इंक्लूड कर लिए। अब बता, टोटल लेंथ को अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट लेंथ से मल्टीप्लाई करते तो टोटल N आता, मतलब कैपिटल N इंटू आई आना चाहिए था। हम कैपिटल N नहीं लिख करके हम क्या किए हैं, N के जगह पे क्या रख दिए, N रख दिए, और L क्या है मेरा, तो 2πr है, यह टोटल लेंथ हो गया इंटू आई, यह मेरा क्या हो जाएगा, आई नेट हो जाएगा। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, आई नेट के जगह पे एन 2πr, यह टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, और एक टर्न्स में आई करंट होता है, इसलिए टोटल नेट करंट जो हो गया वो एन इंटू 2πr इंटू आई। अब देखो यहाँ पे बी जब निकालेंगे तो ये जो 2πr है वो नीचे चला जाएगा, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फिर से वही फार्मूला आया जो सोलेनोइड के लिए आया था, ठीक। अब अलग बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स उसका अलग हो सकता है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अलग हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में है इसलिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या हो गया मेरा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, यह स्मॉल n दिखाता है, यह क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है, पर यूनिट लेंथ। तो फाइनली ये बात हमें समझ में आ गया कि हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ का यूज किस चीज़ के लिए करते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए दो मेथड है, एक बायट सावर्ट लैपलास लॉ और दूसरा मेथड है एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ ज़्यादातर वैसे जगह पे यूज किया जाता है जो हाई सिमेट्री ऑफ करंट हो, या फिर उसका जो सिस्टम जो हो, जो भी जिससे वो करंट पास कर रहा है वो सिमेट्रिकल शेप का हो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें एम्पियर लॉ लगाने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये था मेरा एम्पियर सर्किट लॉ, जो कि अल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, और वो भी किसका, तो बायोट सावर्ट लैपलास का। जिस तरह से हम लोग कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसी तरह फिर से बाद में आया था एक गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या करता था, वो भी अल्टरनेट मेथड था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो वह इलेक्ट्रोस्टैट में था और यह मैग्नेटिज्म में है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात आती है तो दो लॉ आया, जैसे कूलम्स लॉ काम करता है वैसे यहाँ पे बायोट सावर्ट लैपलास लॉ काम करता है, और जैसे वहाँ पे गॉस थ्योरम काम करता है वैसे यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ यूज होता है। इतना समझ में आया, थैंक यू।